أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصلِّ ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अहकमुल हाकिमीन के लिए, और दुरूद व सलाम प्यारे पैगंबर साकी कौसर शाफी महशर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते हदस पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हाथी रहबर और रहनुमा बना कर भेजा है। इन्ना अअतैना कल कौसर, यकीनन हमने ही आपको कौसर अता फरमाई है। फ़सल्ली रब्बिका वन्हर, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिया का, यकीनन आपसे नफरत करने वाला जो है हुवल अबतर, वही अबतर है। सूरह कौसर नहायत ही मुख्तसर तरीन सूरह करीमा है। इसका शान नज़ूल ये है कि मुशरिकीन मक्का जो थे, जब नबी अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा जिसको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, जब वो बेटा फौत होता है तो मुशरिकीन मक्का खुशियां मनाने लगे और तालियां बजाने लगे और नऊज़ु बिल्लाह मआज़ अल्लाह अबतर का नारा लगाने लगे। कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद है वो तो सारी फौत हो रही है, तो जिस नबूवत का ये दावा कर रहे हैं उस नबूवत के पैगाम का जो सिलसिला है वो अनकरीब मुनक़ते होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ये जो इस्लाम का सिलसिला है ये ज़्यादा देर तक आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसकी बढ़ती हुई दावत जो है वो खुद बहुत ही थम जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात इतनी नापसंद आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सूरह करीमा नाज़िल फरमाते हैं। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, अचानक आपके ऊपर गनूदगी तारी हो जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक को ऊपर की तरफ उठाते हैं, हमने देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि हमने सवाल किया, या रसूलुल्लाह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको हंसाया है? तो आपने फरमाया कि अभी अभी मेरे ऊपर एक सूरह करीमा जो है नाजिल की गई है। फिर आपने उसकी तिलावत की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह करीमा का ये पसे मंजर है कि कुफार ने कहा था आपका जो मनहज है, जो आपका मिशन है, जो आप करना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उनके मुकाबले के अंदर ये सूरह नाजिल करके उनको बताया कि देखिए जो लोग दावा करने वाले थे, अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। उनकी औलादों में से कोई उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता,
उनकी तरफ अपनी निस्बत भी गवारा नहीं करता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, अल्लाह ताला ने कयामत तक उस दीन को रोशन कर दिया। उस दीन के मानने वालों को तमाम अधियान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत तक के लिए गालिब कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना यकीनन, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ना ये जो ज़मीर है ये अजमत की ज़मीर है। अल्लाह फरमाते हैं यकीनन हमने अतैना कल कौसर, आपको कौसर अता फरमाई। कौसर के बारे में बहुत ज़्यादा रिवायात हैं, इससे मुराद नहर कौसर है जो जन्नत के अंदर है, जो मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई गई। इससे मुराद हौज़े कौसर भी है, नहर कौसर, और इससे मुराद हौज़े कौसर भी है। और बाज़ मुफस्सरीन ने इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मुराद ली है, यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद का आगे जो जारी होता हुआ सिलसिला है। बाज़ ने कहा इससे मुराद ये भी है, बाज़ ने कहा इससे मुराद कुरान भी है, बाज़ ने कहा कि इससे मुराद बैतुल्ला भी है। हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि ये जो कौसर है ये बहुत ज़्यादा खैर कसीर को अपने अंदर समोए हुए है। कि कौसर से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत भी दी, रिसालत भी दी, शोहरत भी दी, नाम भी दिया, अजमत भी दी, मुकाम भी दिया। यानी ये जो लफ्ज़ कौसर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खैर है। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तफसीर बेदावी के अंदर लिखते हैं कि हाज़ा लफ्ज़ यतनावलु खैराति दुनिया व खैराति आखिरा, कि ये जो लफ्ज़ कौसर है इसके अंदर दुनिया की तमाम किस्म की खैर शामिल है, और आखिरत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को जितनी खैरात, जितनी भलाइयाँ अता करनी है, इस लफ्ज़ कौसर के अंदर वो सारी की सारी भलाइयाँ भी शामिल। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को कौसर अता फरमाया, भलाइयाँ ही भलाइयाँ अता फरमा दी। कुरान मजीद के नज़ूल की शक्ल के अंदर, नबुव्वत और रिसालत की शक्ल के अंदर, और मेरे मोहतरम भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खैर कतीर मिली, मुफस्सरीन ने उसमें से एक चीज़ ये लिखी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह का दीन आप तक आया उसको लोगों तक पहुंचा दिया, ये लोगों तक पहुंचाना भी खैर कतीर है। अल्लाह के दीन को आगे लोगों तक पहुँचा देना भी इंसान के लिए खैर कसीर का सबब बनता है। और फिर दूसरे लिहाज से कि दुनिया के अंदर जिस इंसान ने नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुना है, पैगाम को सुनने के बाद अपनाया है, उस पर अमल किया है, तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर कसीर का सबब बनता जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथ्लु अजरि फाइलिही, जो बंदा किसी की खैर की तरफ रहनुमाई करता है, एक बंदा किसी को तंबीह करता है, समझाता है, उसकी रहनुमाई करता है कि आपने हज नहीं किया, अल्लाह के लिए वक्त निकाले, अल्लाह ने वसाइल दिए हुए, आप हज करें, उस बंदे की दावत उस पर असर कर जाती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये बंदा हज के लिए जाता है, ये हज करता है, अल्लाह जितना उसको अजर अता करते हैं उतना ही अजर अल्लाह ताला इस कहने वाले को, इस दावत देने वाले को अता करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम के मरातिब को इतना बढ़ा दिया है, उनकी एक वजह यह है कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान आपकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला आपके दर्जात को बढ़ा रहे हैं। और ये फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हम आपको खैर कसीर अता कर रहे हैं, कि आपकी दावत पर जो जो मुसलमान सुनकर अमल करता जाएगा आपका रुतबा और मुकाम बढ़ता जाएगा। ये खैरात दुनिया है। और कहा ये खैरात आखिरा क्या है कि क़यामत का दिन होगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा अना सय्यिदु वलदि आदम यौमल क़यामा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है मैं तमाम की तमाम औलाद का सरदार हूँ। औलाद के अंदर अम्बिया भी शामिल, लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन सबके सरदार होंगे, ये खैर कसीर। और फरमाया वो भी यदि लिवाउल हमदी, क़यामत के दिन हमद का झंडा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के अंदर होगा। और फरमाया कि वह आना अव्वल मन यनशक्कु अनहुल कब्र, क़यामत का दिन होगा सबसे पहले जिनकी कब्र जो है ना वो फटेगी, जब सूर के अंदर फूंका जाएगा लोगों की कब्रें फटेंगी। फरमाया सबसे पहले जो कब्र फटेगी आपने फरमाया वो मेरी कब्र, कब्र फटेगी मैं कब्र से बाहर निकलूँ।
हशर का मैदान है। वाअव्वलु शाफिन, लोग एक दूसरे की तरफ जाएंगे, जलीलुल कदर अंबिया के पास जाएंगे कि अल्लाह से सिफारिश करो, अल्लाह हिसाब किताब को शुरू कर दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब लोग मेरे पास आएंगे मैं अल्लाह के सामने सब मसजूद हो जाऊंगा। वाअव्वलु शाफिन वाअव्वलु मुशफ्फा, अल्लाह मेरे दिल के अंदर हमद के ऐसे कलिमात डालेगा, मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, अल्लाह की हमद बयान करूंगा। वो कलिमात रब तआला ने आज तक किसी को अता नहीं किए, उन कलिमात के जरिए मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, अल्लाह की हमद बयान करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रासका सल तोता इश्फा तुशफा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को उठाइए, आप सवाल कीजिए, आपको दिया जाएगा, अता किया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश की जाए, आपकी सिफारिश कबूल की जाए। ये शफात उज़्मा होगी, शफात कुबरा होगी, इसके बाद लोग भी सिफारिश करें, दोस्त अपने दोस्त की सिफारिश करेगा। एक दोस्त जन्नत की तरफ जा रहा है, वो अल्लाह से सवाल करेगा कि या अल्लाह फलां बंदा मेरा दोस्त, मैंने उसको दावत दी थी, आज वो अपने गुनाहों के वक्त दूसरी जगह की तरफ चला गया है, या अल्लाह उसको माफ़ कर दे। दोस्त अपने दोस्त की सिफारिश करेगा, बच्चे आ जाएंगे अपने वालिदैन की सिफारिश करेंगे, बच्चे आकर सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह हमारे साथ जन्नत के अंदर हमारे वालिदैन को भी भेज दे। तो ये छोटी शफात है, इससे पहली जो शफात है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कतीर अता फरमाई है कि क़यामत वाले दिन आप सिफारिश करेंगे, अल्लाह फरमाएंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, सवाल कीजिए, सिफारिश कीजिए, दिया जाएगा, सिफारिश कबूल की जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, या अल्लाह आज सिर्फ एक इल्तजा है कि जो मेरी उम्मत है या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को या अल्लाह माफ़ कर दे, जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है, जिन्होंने मेरी इत्तबा की है, जो मेरे नक्शे कदम पर चले हैं, जो मेरे लिए कुर्बानियां देते रहे, मेरे लिए वक़्त निकालते रहे, अपनी औलादों को कुर्बान करते रहे, खुद भी होते रहे, या अल्लाह रब्बी उम्मती आज मुझे उनकी फिक्र है, आज उन मुसलमानों की, उन कलमा पढ़ने वालों की फिक्र है जो मेरे लिए फिक्रमंद रहते थे, या अल्लाह आज उनको माफ़ कर। इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह फरमाते हैं ऐ हमारे हबीब हम आपको खैर कतीर अता पर फरमाते हैं, दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी अता करने वाले। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली हमने आपको खैर कतीर अता फरमाई है, जन्नत का दरवाजा जो है वो आपकी दस्तक मुबारक के ऊपर खोला जाएगा, सबसे पहले जन्नत के अंदर आप दाखिल होंगे, सबसे पहले सिफारिश आप करेंगे, सबसे पहले सिफारिश आपकी कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला कियामत वाले दिन तमाम के तमाम औलादे आदम का आपको सरदार बनाएगा, ये खैर कसीर है। तो इससे आगे मुतालबा क्या है, फसल्ली लिरब्बिका, खैर कसीर अल्लाह अता करेगा, अल्लाह ने अता की हुई है दुनिया के अंदर आखिरत में भी अता करेगा। फसल्ली लिरब्बिका, आप पर क्या लाजिम है, फसल्ली फा ताकीद के लिए होता है, ताकीद का मतलब क्या है कि ये नेमत अगर आपको दी है फसल्ली, इसके फौरन बाद आप ये काम कीजिए, आपको खैर कसीर अता फरमाई है फसल्ली, तो आप पर क्या लाजिम है, फसल्ली लिरब्बिका, आप फौरन अपने रब के आगे सर मस्जूद हो जाइए, फसल्ली लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। मेरे मोहतरम भाइयों देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी खैर कतीर अता फरमाई है, नेमत का जो है नेमुल बदल क्या होता है कि इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, यहाँ पे नेमत का तज़किरा किया, हम आपको खैर कतीर अता फरमा रहे, मगर आगे मुतालबा क्या किया, फसल्ली आप नमाज पढ़िए, आगे ये नहीं कहा कि आपको खैर कसीर अता की है लिहाजा आप शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने फरमाया आपको खैर कतीर अता फरमाई है फसल्ली, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, फसल्ली आप नमाज पढ़िए। एक मुफसर लिखते हैं इन्नस सलाता जामियतुल लिकुल्ली अक्साम शुक्री, ये जो नमाज है ये शुक्र की तमाम किस्मों को शामिल अपने अंदर जमा किए हुए, शुक्र की तमाम किस्मों को नमाज अपने अंदर जमा किए हुए। और शुक्र की दो किस्में होती हैं, एक शुक्र होता है शुक्र कल्बी, एक शुक्र होता है शुक्र बदनी, दो किस्में शुक्र की। और शैतान ने क्या कहा था, अल्लाह ताला से शैतान ने क्या कहा कि या अल्लाह इस आदम को सजदा ना करने की वजह से तूने मुझे गुमराह कर दिया। उसने कहा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन यदीहिम वा मिन खल्फिहिम वा अन अयमानिहिम वा अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, शैतान ने कहा कि या अल्लाह इसके इवज़ इसको मैंने सजदा नहीं किया, तूने मुझे गुमराह कर दिया,
मैं इनके आगे से भी आऊंगा, मैं इनके पीछे से भी आऊंगा, मैं इनके दाएं से भी आऊंगा, मैं इनके बाएं से भी आऊंगा, आकर इनको गुमराह करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। नतीजा क्या निकलेगा? या अल्लाह, आदम की औलाद की अक्सरियत जो है तो उसको शुक्रगुजार नहीं पाएगा। शुक्रगुजार आदम की औलाद की अक्सरियत को या अल्लाह तो नहीं पाएगा। मैं इनको गुमराह करूंगा, मैं इनको शुक्र के रास्ते से हटा दूंगा। और शुक्रगुजारी की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु की सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हुए, इतना लंबा क्याम किया। हजरत मुगीरा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक सूझ गए, कदम मुबारक सूझ गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के। और वल्लाह यहाँ पर हद ख़त्म हो जाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल कायम कर दी है नमाज के अंदर, शायद आज तक कोई भी ना कर सका। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ रात को नमाज के अंदर खड़ा हुआ। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू की है, सूरह बकरा मुकम्मल तिलावत की है, सूरह आले इमरान मुकम्मल तिलावत की है, सूरह निसा मुकम्मल तिलावत की है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे के लिए झुके। आज हम में से कौन है, जितनी ज़िंदगी हमारी गुजरी या कभी हमने तारीख के अंदर या अहादीस के अंदर रिवायात के अंदर ऐसे सुना हो किसी सहाबी ने किसी इमाम ने एक रकत के अंदर सूरह बकरा और सूरह आले इमरान और सूरह निसा की तिलावत की, कभी हमने सुना हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना लंबा क़याम फरमाते हैं, यानी आपको खैर कसीर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला इस्लाम की दौलत से सरफराज करें, नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती बना दें, उस पर लाजिम है कि वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। और अल्लाह का शुक्रिया अदा दो तरह से है, शुक्र कल्बी है और शुक्र बदनी है। शुक्र कल्बी क्या होता है? शुक्र कल्बी तौहीद है, और शुक्र बदनी क्या है? शुक्र बदनी नमाज है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह आप इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं, आप इतना लंबा क़याम करते हैं, वक़द ग़फ़रल्लाहु लका, अल्लाह ने आपको माफ़ फरमा दी है, आपके अगले पिछले आपके तो गुनाह है नहीं है, अल्लाह ने आपकी मफ़रत फरमा दी है, अल्लाह ताला ने आपके दर्जात बुलंद कर दिए हैं, दोनों जहानों में सरदारी अता कर दी है, अम्बिया रसूल का इमाम बना दिया है, आपकी इक्तदा में सबरे नमाज पढ़ी हुई है, अल्लाह के नबी आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं? तो आपने क्या फरमाया? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं हूँ? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं हूँ? इस हदीस से यह पता चलता है कि जो मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद नमाज नहीं पढ़ता है वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है। कतई तौर पर बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बन सकता। वल्लाह मेरे अज़ीज़ भाइयों, आपने ये पिछले दिनों यानी 3 से 4 दिन की बात है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े मुहद्दिस जो है हाफिज अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद बुटवी रहमहुल्लाह, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर उलमा उनके शागिर्द हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर उनके शागिर्द हैं, हदीस के हाफिज, कुरान के मुफस्सिर, हदीस के शारे, कुरान मजीद की तफसीर लिखी है, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम शेख मसूद आलिम हाफिज मसूद आलिम हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो आपने तफसीर की किताब लिखी है, इस मौजूदा दौर के अंदर इस उम्मत पर बहुत बड़ा एक कर्ज था जिसको आपने उतार दिया। और सही बुखारी की शरह लिखी है फतुस्सलाम के नाम से, और बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, उन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा इलम से और अमल से और आजी से नवाजा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद थे, हम 7 साल उनसे पढ़े, और 7 साल पढ़ने के बाद आखिरी दिन के अंदर जो एक मजलिस हुई है शेख के साथ, मजलिस के अंदर क्या कहा गया कि शेख साहब हम अपने घरों को जा रहे हैं, आपको नसीहत कर दी। सोचे ज़रा 7 साल जिन बच्चों ने दीन की तालीम को हासिल किया हो, जब 7 साल के बाद उनको नसीहत की जाएगी, आप सोचे क्या नसीहत हो सकती है? शेख साहब आए, नसीहत शुरू की है, कहते हैं सिर्फ एक नसीहत है, दो मिनट की बात है बस, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नसीहत नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, आप ये करना वो करना, ये काम कर लेना वो काम कर लेना, इसका ख्याल करना उसका ख्याल करना, 7 साल आपको पढ़ाया है, और नसीहत आखिर में क्या की है? कहते हैं आप यहाँ से पढ़ चुके हैं, अब आप बाहर जाएंगे अपने घरों में, कोई काम काज करेगा, कोई पढ़ाएगा, कोई कारोबार करेगा, मगर मेरी एक नसीहत याद रखना,
कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। अगर नमाज अपने वक्त पर तुमने अदा ना की, तुमसे तुम्हारा इल्म भी छीन लिया जाएगा, तुम्हारे अमल को भी अल्लाह तबाह कर देगा अगर तुमने नमाज अपने वक्त पर अदा नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखा था अपने आमिलों के नाम, सिर्फ एक खत लिखा, कहा याद रखना मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो अहम तरीन चीज है तुम्हारे लिए वो नमाज है। जिसने नमाज को जाया कर दिया इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने नमाज को जाया कर दिया अल्लाह ताला उसके हर एक अमल को जाया कर देगा, उसका कोई अमल पाया तकमील तक नहीं जा सके। अल्लाहु अकबर, जंगे अहज़ाब का मौका है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बद्दुआ नहीं दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन को बद्दुआ दी है, काफिरों के लिए बद्दुआ की है। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला इनके पेटों को और इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इन्होंने हमें नमाज असर अदा नहीं करने दी। जंग के मैदान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम खड़े, आपके सहाबा आपके साथ खड़े हैं, मगर नमाज की माफी नहीं है। कहा अल्लाह इनके पेटों को, इनके घरों को, इनकी कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमें असर की नमाज अदा नहीं करने दी। आज हमारे ऊपर थोड़ी सी खुशी आई नमाज गई, नींद आई नमाज गई, बाजार में गए नमाज गई, शादी आई नमाज गई, कुछ भी हो गया हमारी नमाज चली जाती है। अल्लाह का वादा है कि तुमको खैर कसीर अल्लाह अता करेगा, अल्लाह दुनिया में भलाइयाँ अता करेगा, आखिरत के अंदर भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता करेगा। क्या करना है फसल्ली रब्बिका, अपने रब के आगे झुकते रहना है, फसल्ली रब्बिका, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज की माफी कभी भी नहीं है। एक मुसलमान और गैर मुस्लिम के अंदर फर्क करने वाली चीज नमाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को दरस दिया आखिरी नसीहत जाते हुए कि अस्सला अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल करना, इतना बड़ा सूरज हर रोज तुलू होता है, हर रोज गुरूब होता है। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, सूरज तुलू होता है जब गुरूब होता है, गुरूब होने के बाद सही मुस्लिम की हदीस है फरमाया अल्लाह के अरश के सामने जाकर सजदा करते हैं, सजदा करता है, इतनी बड़ी मखलूक है अल्लाह को रोजाना सजदा करके आती है और अल्लाह से इजाजत तलब करता है कि आज दोबारा तुलू होने के लिए मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरे मोहतरम भाइयों देखे इतनी अशम्सु वल कमर, अशम्सु वल कमर अल्लाह फरमाते हैं सूरह रहमान के अंदर, ये सूरज जो है, ये चांद जो है, ये सितारे जो है उसके हुक्म के साथ ये गर्दश कर रहे हैं, किसी के अंदर इतनी मजाल नहीं है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर सके। फसल्ली रब्बिका, अल्लाह ने इतनी खैर अता की है, मुसलमान बनाया है, कलमा पढ़ने की तौफीक दी है, मुसलमान घरानों के अंदर पैदा किया है। और मेरे मोहतरम भाइयों सबसे बड़ा पैगाम सूरह कौसर का क्या है, फसल्ली रब्बिका, बंदे को चाहिए बंदा नमाजी बन दे। मुसलमान जो कलमा पढ़ता है वो अल्लाह को पांच वक्त उस पर फर्ज है, अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के सामने सर मसूद हुआ करे। फसल्ली रब्बिका, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है तो आप पे लाजिम क्या है, फसल्ली, बस आप नमाज पढ़िए। और नमाज भी कैसी पढ़नी है, लिरब्बिका, सिर्फ और सिर्फ अपने रब की जात के लिए नमाज पढ़नी, किसी को दिखलाने के लिए नहीं। मुफस्सरीन ने लिखा है कि किसी अमल के अंदर रियाकारी जो है ये जायज़ नहीं है, ख़ास तौर पर नमाज के अंदर, किसी भी अमल में रियाकारी जायज़ नहीं है और ख़ासुल ख़ास नमाज के अंदर। यानी इंसान का कोई भी जो अमल है वो खालिस अल्लाह की रिदा के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर ये हदीस है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फितरती तौर पर इंसान कोई अमल करता है इसके दिल से कुछ आवाज़ें उठती हैं, नेक दिल की आवाज़ क्या होती है, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। और जिस दिल के अंदर कुछ और चल रहा है उसकी आवाज़ क्या होती है कि फलां बंदा देख ले, फलां बंदा देख ले, फलां को भी पता चल जाए ये कारनामा मेरा है, ऐसे अच्छा अमल, अच्छे अमल करने वाला मैं ही हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लो अन्न रजुलन अमिला अमलन कान फी सखरतिन ला बावला वला कुव्वत लहु काइनन मा कान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा एक अमल करता है, फरमाया वो अमल कहाँ पे जाके करता है, एक चट्टान के अंदर जाकर करता है, और वो चट्टान भी किस तरह की है, ला बावला, जिस चट्टान का कोई दरवाजा ही नहीं है, वला कुव्वत लहु, जिस चट्टान का कोई शगाफ नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है, ऐसी चट्टान के अंदर जाकर इंसान एक अमल कर रहा है, ना कोई रोशनदान है, ना कोई शगाफ है, ना कोई दरवाजा है, का इनन माकाना, फरमाया अल्लाह इसके अमल को लोगों के ऊपर जाहिर कर देगा। अब ये अल्लाह पे मुनहसर है इसकी जिंदगी के अंदर करे या इसके जाने के बाद करे या क्यामत के दिन करे।
इसका जो भी अमल है, अच्छा अमल है या बुरा अमल है, लोगों के लिए रिजा के लिए किया गया या अल्लाह की रिजा के लिए किया गया, जो अमल इसने रब के लिए किया है, अल्लाह इसके अमल को लोगों पर जाहिर कर देगा। ऐसी चट्टान के अंदर जाकर किया है, इंसान समझता है कोई भी नहीं देख सकता, किसी को पता नहीं चल सकता, फरमाया अल्लाह की दात को उसका इलम हो जाएगी। अल्लाह की दात को इलम है, अल्लाह इसके अच्छे अमल को लोगों पर आश्कार कर देगा। अल्लाह की दात के ऊपर अब मुनहसिर है कि इसकी जिंदगी में करे, इसके जाने के बाद करे या क्यामत के दिन करे, इसका कोई अमल छुपा नहीं रहेगा, कोई अमल ढका नहीं रहेगा। अल्लाह शोहरत देकर रहेंगे, दुनिया में भी देंगे, आखिरत के अंदर भी देंगे। फसल्ली रब्बिका, तो इंसान को क्या चाहिए, फसल्ली वो नमाज पढ़े, लिरब्बिका सिर्फ रब की जात के लिए, वनहर और फरमाया इंसान कुर्बानी करे, कुर्बानी भी किसके लिए करे, सिर्फ अल्लाह की दात के लिए। यहाँ पर एक नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, आगे कहा वनहर और कुर्बानी करो, यानी ये नहीं कहा कि वज़बा जानवर को ज़िबा करो, कहा वनहर कुर्बानी करो, यानी ऊँट जो है ये नहर होता है, जानवर बकरा जो है ये ज़िबा होता है, गाय जो है ये ज़िबा होती है, और ऊँट जो है ये नहर होता है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर समझाया क्या है, यानी तुमने ऊँट को जब ज़िबा करना है तो मसाकीन का ख्याल करना है, वन हर जो कुर्बानी करनी है तो उनका ख्याल करना है। आपने अगर बकरा जो है यानी छोटी चीज का तस्करा इसलिए नहीं किया, अगर इंसान बकरा ज़िबा करेगा वो बांटेगा कितना, ज्यादा तो खुद रखेगा, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को देगा, और अगर गाय को करेगा और अगर ऊंट को करेगा तो कितना बांटेगा इंसान, कि एक मस्कीन जो है वो अपना पेट भरकर एक वक्त खाना खा लेगा। इसीलिए कहा वन हर कुर्बानी करो, और कुर्बानी के अंदर क्या है कि जब कुर्बानी करो तो मसाकीन का ख्याल रखो, अल्लाह की रजा के लिए। इन नशानिया का वल अबतर, अल्लाह फरमाते हैं इन नशानिया का, शानिया का मतलब होता है कि जो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़ल्ला नौज़ुबिल्ला नफरत करने वाला है या बुगज रखने वाला है, हुवल अबतर, वो अबतर है। अबतर का मतलब होता है कि हर किस्म की खैर से महरूम, हर किस्म की खैर से महरूम। जो भी इंसान नबी अलैहिस्सलाम से माज़ल्ला बुगज रखता है या नफरत करता है, वो इंसान हर किस्म की खैर से महरूम है। उस वक़्त मुशरकीन मक्का बुगज रखते थे, नफरत करते थे, अल्लाह ने फरमाया हर किस्म की खैर से ये महरूम, हर तरह की खैर से महरूम है। और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के ज़माने के अंदर, आज के इस दौर के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद नहीं, आप अपने रब के पास हैं। आज के दौर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के साथ जो बंदा बुगज रखेगा वो बंदा अबतर है, जो बंदा हदीस से नफरत करेगा वो बंदा अबतर है, जैसे मुनकरीन हदीस है। और जो मुसलमान मुफस्सरीन ने लताइफुल कुरानिया के अंदर, एक मुफस्सर ने बहुत बड़ा नुक्ता लिखा है, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान आज के दौर के अंदर जिस जगह पर दरसे हदीस हो रहा है या दरसे कुरान हो रहा है, और इस मुसलमान के पास टाइम भी है, यानी कोई उज़र नहीं है, अगर कोई उज़र है यानी टाइम नहीं है, किसी जगह पर जाने आने की जल्दी है, ये माजूर है, ये जा सकता है। कहा कि अगर किसी मुसलमान के पास टाइम भी है, वक़्त भी है, और दरसे हदीस हो रहा है, जानबूझ कर वहाँ पर उठकर जा रहा है, ये बंदा अबतर के ज़िम्मे में आएगा, यानी ये जो बंदा है हर किस्म की खैर से महरूम रहेगा। कैसे, ज़ालिक बिअन्नहुम कारिहू मा अन्ज़लल्लाह फ़ाहबता अमालहुम, अल्लाह फरमाते हैं इनके अंदर कराहत आई इस बात की कि जो अल्लाह ने नाज़िल किया है ये उसको सुनते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, इस बात की कराहत इनके दिलों में आई है, तो अल्लाह ने इनके अमाल को ज़ाया कर दिए। कितने मुसलमान ऐसे दरसे हदीस हो रहे, उनके पास टाइम है, वक़्त है, यहाँ से उठेंगे बाहर जाएंगे मोबाइल खोल लेंगे, बाहर जाएंगे दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे हैं, यहाँ 5 मिनट का दरसे हदीस था, वहाँ 15 मिनट उन्होंने ज़ाया कर दिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं दानी कभी अन्नकारी माँ अनजल अल्लाह, जो अल्लाह ने नादिल किया है वो तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगा, और बाहर जाकर तुम फजूल वक़्त ज़ाया कर रहे हो बाहर जाकर। और देखे खुतबा जुमा जो है, क्यों कहा गया कि जुमे के दौरान कोई एक तिनका भी पकड़ के यहाँ पर नहीं रख सकता, एक तिनका यहाँ से उठाकर यहाँ पर कोई नहीं रख सकता, अगर ऐसा करेगा तो क्या कहा कि उसका अजर ज़ाया हो जाएगा। वजह क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन बयान हो रहे हैं उनकी अजमत इतनी है कि इंसान उनके बयान होते हुए ना किसी से बात कर सकता है, और ना तिनका यहाँ से उठाकर वहाँ पर रख सकता है, और ना किसी सोए हुए को जगा सकता है। तो इसी के तनाजुर के अंदर उलमा ने ये नुक्ता बयान किया है,
के हदीसे रसूल की अजमत का तकाजा ये है कि जहाँ पर हदीसे रसूल बयान हो रही है, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, अगर किसी जगह पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ, यानी किसी जगह पर जाने की ताखीर देर नहीं हो रही है, तो आप पर लाजिम है आप हदीसे रसूल सुने, आप बैठे सुने, गौर करें, समझे, उस पर अमल करें, बजाय इसके कि यहाँ से ऐसे उठे जैसे पता नहीं क्या इनको मसरूफियत पड़ गई है और पीछे जाकर बैठे हुए, नीचे जाकर गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर की बातें एक दूसरे से सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो ये अमल कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत को समझ लें और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ यानी अल्हम्दुलिल्लाह।